सीएम सिटी में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चोरों को पुलिस का कोई खौफ ही नहीं रहा। करनाल के मेन बाजारों में 3 दुकानों के शटर तोड़कर चोरी करने की वारदात सामने आई है। दुकानदारों ने बताया कि रात को अज्ञात चोर दुकानों का शटर तोड़कर चोरी करके ले गए। चोरी की इस वारदात से दुकानदारों में दहशत का माहौल है। फिलहाल चोरी कितने की हुई है इसका अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता, जिसका बाद में पता चलेगा। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सारे मामले का संज्ञान लिया एवं मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। दुकानदारों ने बताया कि रात के समय यहां पर असामाजिक तत्व शराब पीकर हुड़दंगबाजी करते हैं, जिससे चोरी जैसी वारदातें होने का अंदेशा बना रहता है। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया कि दुकानदारों की हिफाजत के लिए कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाए। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। मोबाइल में खींच रखे हैं। ये पहले भी हुआ है सर? हाँ, पहले भी हुआ सर। पहले कितने समय पहले हुआ लगभग? मतलब हमारा ये जो समय आड़ी पर दुकान है ना, इसके अंदर हुआ था एक बार, और ताला तोड़ के हमारा इन्वर्टर और बैटरी उठा के ले गया था। बाकी उसके बाद उस टाइम हम लोगों ने प्रशासन को बोला है, कोई लाइट नहीं लगती और शाम को लोग यहाँ पे दुकानों के बाहर लोग शराब पीते हैं, आके तंग करते हैं और कहना नहीं मानते, कहते हैं तो लड़ने को तैयार होते हैं। 8:30 बजे दुकानें बंद होने के बाद सब लोग यहाँ शराब पीने के लिए आ जाते हैं बाहर से। लोग कितनी बारी रिक्वेस्ट करी है और नहीं, वो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। हमारी ये प्रशासन का है कि प्रशासन हमें कोऑपरेट करे, बाकी जो प्रशासन की तरफ से हमें आदेश होगा हम उसको मानने के लिए तैयार होंगे। पुलिस वाले आए थे, उन्होंने अच्छे से फोटो वगैरह ली है, इमीडिएट आए थे, उनकी तरफ से कोई वो नहीं, वो फटाफट आ गए थे, आके फोटो ले गए। अब जो कार भी होगी आगे की वो उनको करेंगे, बस ये हुआ है। तीन दुकानें हैं जी। कल देर रात की है वारदात। ओम जनरल स्टोर है, शमी हार्डवेयर स्टोर है और सुपर ग्लास है। कल देर रात की वारदात है? हाँ जी, कल देर रात की वारदात। देर रात ही फुटेज चेक की जा रही है, जैसे ही कोई फुटेज मिलती है चोरों के खिलाफ कार्रवाई होगी और तफ्तीश जारी। तो अभी तक के जो दुकानदारों ने क्या कहा, कितने की जो वारदात हुई है सर? अभी दुकानदारों थोड़ा बहुत सामान ही बता रहे हैं, बाकी इनको कोई आइडिया नहीं है। अभी अपना सामान चेक कर रहे हैं, कोई कैश वगैरह कुछ खानी किसी के गले में भी नहीं है, बाकी अभी ये बताएंगे, चेक कर रहे हैं अपना सामान। शटर देर रात शटर तोड़ दिए जाते हैं, नज़दीक ही थाना लगता है सर, क्या लगता है चोरों के हौसले बुलंद है सर? ऐसा है, एरिया ज़्यादा है, गश्त भी होती रहती है, रात को गश्त करते हैं, यहाँ कोई लाइट वगैरह कुछ है नहीं, अंधेरा रहता है। ये मार्केट बिल्कुल कोने में आ गई है, दुकानें हैं आप देख रहे हैं जी, यहाँ तक तो हमारी गाड़ी भी नहीं आती, हम भी रोड पे ही गश्त करते रहते हैं और बाकी कार्रवाई चोरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगली नीति क्या रहेगी प्रशासन की? अगली नीति यही है कि फुटेज चेक करके उनको जल्दी जल्दी पकड़ेंगे। दुकानदार ने बताया रात 9 बजे के बाद काफ़ी लड़के यहाँ पर घूमते हैं, नशे के उसमें यहाँ पर बैठ के शराब भी पीते हैं, तो पुलिस की कोई गश्त रहनी चाहिए यहाँ पर? 8 बजे से भी दुकानें बंद हो जाती हैं, पुलिस की गश्त रहती है, कंटिन्यू गश्त करती रहती हैं, और अगर आइंदा कभी कोई ऐसे मिलेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.